नमस्ते बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है पादप ऊतक संवर्धन या प्लांट टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम बच्चों डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं टिश्यू या ऊतक शब्द से। ये टिश्यू या ऊतक शब्द की परिभाषा जब आप पढ़ते हो तो आप कहते हो कि ये होता है हमारे पास में कोशिकाओं का एक समूह जो एक समान संरचना और कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। ठीक है, अब ये जो ऊतक है कोशिकाओं का हमारे पास समूह है, ये कोशिकाओं के समूह को हम निर्जमीकृत करके, निर्जमीकृत का क्या मतलब है, निर्जमीकृत का मतलब है कि हम उसमें जितने भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, जो भी इन्फेक्शन है उस सब इन्फेक्शन को हम हटा दे, उसको हम स्टराइल बना दे, पूरी तरह से बैक्टीरिया वायरस से उसको मुक्त कर दे। तो हम उस कोशिकाओं के समूह को निर्जमित कर ले और फिर हम उसको एक ऐसे रासायनिक पोषक माध्यम के ऊपर रखें जहां से वृद्धि के लिए इन कोशिकाओं के समूह को सारे के सारे पोषक तत्व मिले। तो उसको हमने रख दिया रासायनिक पोषक तत्वों के ऊपर, इसको हम संवर्धन माध्यम के नाम से भी जानते हैं, संवर्धन माध्यम। अब ये जो पोषक तत्व इसको यहाँ कोशिकाओं के समूह को मिलेंगे तो इन पोषक तत्वों की उपस्थिति में और प्रयोगशाला के नियंत्रित परिस्थितियों में, परिस्थितियां नियंत्रित होनी चाहिए जैसे तापमान, आर्द्रता, ठीक है, तो प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर ये ऊतक वृद्धि करते हैं, ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं और वृद्धि करने के बाद में ये एक नवीन पादप का निर्माण करती हैं। तो ये जो संवर्धन की प्रक्रिया है, यहाँ पर या तो हमें नवीन पादप मिलेगा या हमें नवीन कोशिकाओं का समूह मिलेगा, कोशिकाओं का समूह जिसको कि हम कैलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो या तो हमें नया पौधा मिल जाएगा नंबर एक, या हमें नवीन बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पूरा गुच्छा मिल जाएगा, या फिर हमें यहाँ पर मिल सकते हैं कायिक भ्रूण। ये बिल्कुल बीज की तरह काम करते हैं, जैसे हम बीज को मिट्टी के अंदर बो दे तो वो तुरंत अंकुरित होता है और उससे नया पौधा मच जाता है, तो बिल्कुल कायिक भ्रूण भी हमें एक बीज की तरह काम करेगा। जैसे ही हम इसको पोषक माध्यम पे रखेंगे और इससे नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से हमें ये विभिन्न प्रकार की जो है संवर्धन करने पर इस तरह से हमें विभिन्न प्रकार के या तो पादप मिल जाएंगे या समूह मिल जाएगा या कायिक भ्रूण मिल जाएगा, जिससे कि हम एक नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पादप ऊतक संवर्धन, ऊतक से पौधे का संवर्धन करना। तो ये बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में की जाने वाली प्रक्रिया है। तो आपने इस वीडियो टॉपिक में हम सबसे पहले कवर करेंगे इस पादप ऊतक संवर्धन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से इस प्रक्रिया के चरण होते हैं। तो प्रक्रिया के चरणों की क्रिया में सबसे पहला हमने इस ऊतक संवर्धन की क्रिया को कुछ अवस्थाओं में बांटा है और जिनको बड़े ही इंटरेस्टिंग नाम दिए हुए हैं। ये नाम है सबसे पहला शून्य चरण। शून्य चरण के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग है सबसे पहला कर्तोतकों का चयन। ये जो शब्द है ना कर्तोतक, बोलने में बड़ा कठिन लगता है, तो हम इसको है ना एक सिंपल इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सप्लांट। प्लांट से एक्साइज किया हुआ, काटा हुआ छोटा सा ऊतक, ठीक है, तो हम इसको आगे एक्सप्लांट ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक पॉइंट जो है हमारा, चरण जो है वो है सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। ठीक है, तो एक्सप्लांट का सिलेक्शन,
एक्सप्लांट का सिलेक्शन जो बच्चों किया जाता है वो इसके ऊपर आधारित होता है कि हमारी टारगेट क्या है, हमें क्या चीज बनानी है, इसके ऊपर हमारे एक्सप्लांट का सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, एक बार हम सारे चरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट आता है वो होता है इन हमारे एक्सप्लांट का पूर्व उपचार, और उसके बाद में यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो है एक्सप्लांट का सतही निर्जमीकरण, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर जो भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कुछ भी है तो उन सबको हटाना। तो ये हमारा था शून्य चरण, जिसकी अपन डिटेल अभी पढ़ेंगे। शून्य चरण के बाद में फिर हमारा आता है प्रथम चरण, सेकंड, प्रथम चरण, फिर हमारे पास आएगा द्वितीय चरण, फिर आएगा तृतीय चरण, और लास्ट होता है चतुर्थ चरण। अब देखो इन चारों चरणों में हमें क्या-क्या चीजें पढ़नी है, तो उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा प्रथम चरण है इसको कहा जाता है संवर्धन आरंभन, संवर्धन आरंभन, मतलब यहाँ पर संवर्धन की क्रिया शुरू की जाएगी। दूसरा चरण जो है उसको कहा जाता है गुणन चरण, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणन यानी मल्टीप्लाई, संख्या में बढ़ाना, ठीक है। और तीसरा जो स्टेप होता है इसको हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन, पौधे का पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजेनरेशन, पुनरुद्ध भवन, किसका पुनरुद्ध भवन, पादप का, है ना, तो रीजनरेशन ऑफ प्लांट। और जो चौथा स्टेप होता है हमारा, चौथा जो चरण होता है वो कहलाता है दृढ़ीकरण, हार्डनिंग, पौधों को हार्ड बनाना। अपन ने अभी बात करी थी कि पौधे जो है वो प्रयोगशाला के नियंत्रित परिस्थितियों में है तो उनको बाहर तो ले जाना पड़ेगा प्रयोगशाला से निकाल कर, तो उनकी हार्डनिंग की जाती है, तो ये हुआ हमारा दृढ़ीकरण। और इसको वातावरण के हिसाब से वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। तो ये जो पांच चरण है इन चरण्स की डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ एक्सप्लांट सेलेक्शन से। देखो बच्चों, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैं पौधे के विभिन्न भागों को प्रदर्शित कर रही हूँ, जिससे पौधे के लिए हमें कौन से एक्सप्लांट का चयन करना है वो हमें पता चल सके। तो देखो, अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें वायरस से फ्री, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री यानी कि बिल्कुल रोग मुक्त पौधे चाहिए, या ऐसे ऊतक चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, तो अगर हम उस दिशा में जाना चाहते हैं तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा प्ररोह शीर्षिका और कक्षस्थ कलिका का। तो इनका प्रयोग करके हम इनकी क्लोनिंग कर सकते हैं, इन कोशिकाओं की क्लोनिंग कर सकते हैं, और इनसे हम बिल्कुल स्वस्थ वायरस फ्री पौधों को प्राप्त कर सकते हैं, वायरस फ्री, बिल्कुल वायरस मुक्त पौधों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें पौधे का एक छोटा सा कायिक भाग लेना है और उससे पूरा पौधा बनाना है ना, जिसको कि सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है, तो अगर हम वो क्रिया करना चाहते हैं तो देखो बच्चों, ये मैंने एक भाग रेखांकित किया है और ये जो बीच में ब्लैक पॉइंट है ये हमारे पर्व संधि को प्रदर्शित करता है ना। तो हम अगर सूक्ष्म परिवर्धन करना चाहते हैं तो हमें लेना पड़ेगा इस भाग को, तो ये भाग किस काम आएगा,
सूक्ष्म प्रवर्धन के, और हमें इस एक पर्व संधि से, हमें इस एक नोड से बहुत सारे प्लांट्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अगुणित पौधे मिले, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं अगुणित पौधों का संवर्धन या अगुणित पादप संवर्धन, तो हमें कोशिका भी कैसी चाहिए जो अगुणित हो। और अगुणित कोशिका हम जानते हैं कि हमारी अंड कोशिका और हमारे परागकण, ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए गैमिट्स हैं और ये अगुणित है, तो यहां से हमें अगुणित पादप संवर्धन हो जाएगा। अब बच्चों, अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम जीव द्रव्य का संवर्धन करना चाहते हैं, है ना, प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना चाहते हैं, जीव द्रव्य का संवर्धन करना चाहते हैं, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो अगर हमें प्रोटोप्लास्ट कल्चर करना है तो बच्चों हमें जो हमारा एक्स प्लांट होगा वो होगा पत्ती, पत्ती का सिलेक्शन करके हम जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर हमें ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित ऊतकों का समूह चाहिए या त्रिगुणित पादप संवर्धन करना है, तो देखो हमारे पास पौधे के अंदर एक भ्रूण पोष एंडोस्पर्म होता है ना। एंडोस्पर्म हम जानते हैं वो कैसा टिश्यू होता है, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि उसमें दो सेंट्रल सेल और फिर एक उसमें मेल गैमिट का फ्यूजन होता है। तो अगर हमें ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित पादप संवर्धन करना है, त्रिगुणित पादप संवर्धन, तो अगर ये हमारा उद्देश्य है तो हमें इस भ्रूण पोष का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कायिक भ्रूण मिले, सोमेटिक एम्ब्रियोज, बहुत टिश्यू कल्चर में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सोमेटिक एम्ब्रियोज, तो अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियोज चाहते हैं, एम्ब्रियोज है ना, तो अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियोज का संवर्धन करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाइगोट या जाइगोट से जो बीज डेवलप हुआ है या बीज से अंकुरण के बाद में जो हमें बिल्कुल नया प्लांट मिला है, सीडलिंग जिसको कहते हैं, सीडलिंग या नवोद्भिद जो कहते हैं, तो हमें पौधे के नव निर्मित भागों को लेकर सोमेटिक एम्ब्रियोज प्राप्त करने पड़ेंगे। तो इसमें सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त करने के लिए कितने एक्स प्लांट यूज कर सकते हैं, हम जाइगोट यूज कर सकते हैं नंबर वन, हम बीज को सीधे ही उसको यूज कर सकते हैं या हम उसको अंकुरित करके और अंकुरण के बाद जो हमें ये तीन भाग मिलते हैं है ना, एपिकोटाइल या बीज पत्रोपरक, इसको यूज कर सकते हैं, चौथा कॉटिलिडन यूज कर सकते हैं और पांचवा हाइपोकोटाइल को या बीज पत्राधार को हम यूज कर सकते हैं और सोमेटिक एम्ब्रियोस प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो जड़ है, जड़ का भी कल्चर किया जा सकता है और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का कोई भी भाग ले सकते हैं और कोई भी भाग लेकर, कोई भी भाग को हमने किस रूप में लिया, कर्तोतक के रूप में है ना, एक्स प्लांट के रूप में, और हम इसको अपने कल्चर मीडिया में रख दें, कल्चर मीडिया पोषक माध्यम में रख दें, तो हमें कोशिकाओं का एक ऐसा समूह मिल जाएगा और जिसको कि हम क्या कहते हैं, कैलस। और इस कैलस की मदद से हम कुछ भी बना सकते हैं, इस कैलस से हम नया पौधा भी बना सकते हैं, इस कैलस से हम सोमेटिक एम्ब्रियो भी बना सकते हैं, कायिक भ्रूण जिसको कहते हैं, और इस कैलस का प्रयोग करके हम बहुत सारे उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटे बच्चों, ये हमारा टॉपिक फर्स्ट जो था, एक्स प्लांट का सेलेक्शन कैसे करना है, एक्स प्लांट का चयन कैसे करना है, तो इसको मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया। अब हम जो अपना फर्स्ट जीरो चरण पे हम चल रहे हैं, तो जीरो चरण का ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, एक्स प्लांट का चयन। अब दूसरा हम इसका कवर करेंगे, सेकंड पॉइंट, एक्स प्लांट का निर्जमीकरण कैसे करना है, एक्स प्लांट का
निर्जर्मीकरण, इसको बिल्कुल स्टराइल कैसे बनाना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट, एक लिक्विड डिटर्जेंट होता है जिसको कहते हैं ट्विन 20। तो क्या करते हैं इसके लिए कि कोई एक ऐसा, हमने अपना कॉनिकल फ्लास्क लिया, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पानी डालते हैं, ठीक है। और पानी के अंदर हमने मान लो स्टेम के सेगमेंट्स लिए हैं, छोटे छोटे तने के टुकड़े लिए, तो ये मैंने इसके अंदर तने के टुकड़े अपने एक्स प्लांट के रूप में जो मैं ले रही हूँ वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इस ट्विन 20 को, इसको इसके अंदर डाला मैंने, डिटर्जेंट मिलाया और इसको मैं शेक करूंगी, इसको मैं अच्छी तरह से हिलाऊंगी। तो इसको बहुत अच्छे से हिलाना है और फिर इसको रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी की धार में, तो बहते हुए जल में, नल के नीचे इसको खोल के बढ़िया से हिलाते हुए और बहते हुए जल में इसको बहुत अच्छे से धोना है। तो इस तरह से धोने से इसके जो हमारे तने के टुकड़े लिए थे हमने, उसमें जो भी इन्फेक्शन मिट्टी वगैरह होती है ना, वो इससे अच्छी तरह से धूल मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाएगी। उसके बाद में क्या किया जाता है, सेकेंड ये सतह का निर्जमीकरण करने के बाद में दूसरा स्टेप, हम इसको जो है एक्स प्लांट्स को लेके जाते हैं, एक बेंच होती है, उस बेंच का नाम होता है लैमिनार एयर फ्लो बेंच, लैमिनार एयर फ्लो बेंच, ठीक है। ये जो लैमिनार एयर फ्लो बेंच होती है इसमें एक बड़ी खास विशेषता होती है, देखो मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ और फिर आपको इसके बारे में समझा रही हूँ। इस बेंच में क्या होता है बेटा कि ये नीचे से, यहां से तो ये हवा अंदर खींचता है और इस हवा को यहां पर फिल्टर्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं हेपा फिल्टर्स। तो ये जो हेपा फिल्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हवा यहां से यहां पहुंचेगी इस हवा को बिल्कुल फिल्टर कर देते हैं, ऐसा फिल्टर करते हैं कि फिर इसमें से किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस इस वर्किंग एरिया में नहीं आ सकता। ये ऐसे हर तीनों तरफ से पूरी बंद होती है और आगे भी यहाँ पर इसके लिए एक फ्लैप वाला गेट लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी एक गेट होता है जिसको कि ऐसे ऊपर करके खोला जा सकता है। और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगी हुई होती है जो वास्तव में यूवी लाइट होती है, ये हमें देती है यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट, ठीक है। आपको पता है यूवी लाइट क्या काम करती है, ये बहुत जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए काम आती है यूवी लाइट, है ना। तो क्या किया जाता है कि सबसे पहले इस वर्किंग एरिया के अंदर इस यूवी लाइट को जला के इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है अगर यहाँ कोई पहले से बैक्टीरिया वगैरह है तो वो पूरी तरह से मर जाते हैं। उसके बाद में इस हेपा फिल्टर को ऑन करते हैं और फिर इस ढक्कन को खोलते हैं, तो उसके बाद में बाहर के वर्किंग एरिया से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। तो ये जो लैमिनार एयर फ्लो बेंच होती है, इस बेंच पे ये जो हमारा एक्सप्लांट है, हमने यहाँ पर उसको धोया था, अब हम उसको यहाँ पर लेकर बीकर के अंदर लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे एक्सप्लांट यहाँ पर पड़े और यहाँ पर अब इस एक्सप्लांट को हम पोषक माध्यम के अंदर डालेंगे। तो पोषक माध्यम पहले से हमारे पास में यहाँ पर पड़ा है जिसको कि हमने यूवी लाइट से उपचारित भी कर दिया, यानी कि अब यहाँ पर कोई भी इस पोषक माध्यम के अंदर किसी तरह के कोई भी जीवाणु नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रिट लैम्प को जलाते हैं और स्प्रिट लैम्प की फ्लेम के सामने हम इस एक्सप्लांट को यहाँ से उठाएंगे, बाहर निकालेंगे और इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और बच्चों इसके अंदर ट्रांसफर करने से पहले ये जो हमारे एक्सप्लांट हैं, इन एक्सप्लांट को यहाँ पर एक बार और ट्रीटमेंट दिया जाता है। और वो ट्रीटमेंट किन किन चीज़ों का दिया जाता है, तो देखो सबसे पहले अच्छा, ट्रीटमेंट देने के लिए मैं बहुत से रसायनों का नाम लिख रही हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि इन सारे रसायनों से इनको जो है एक साथ में धो दिया जाएगा। तो अलग अलग एक्सप्लांट के साथ में अलग अलग तरह की जो है वो रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, मर्क्यूरी क्लोराइड, इथेनॉल और सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरीन जल, ब्रोमीन, तो इनका एक्सप्लांट
किस तरह का है, कौन सा हमने लिया है, उसके आधार पर इसमें से कुछ का चयन किया जाता है और इस केमिकल के अंदर हम इन एक्सप्लांट को डालते हैं, अच्छे से धोते हैं और उसके बाद में इनमें से जिसके द्वारा भी हमने उसको उपचारित किया है, उस उपचार के बाद में हम उसको डिस्टिल वाटर से जरूर धोते हैं। और डिस्टिल वाटर से धोने के बाद में हम एक्सप्लांट को, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोषक माध्यम, तो इस पोषक माध्यम में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एक्सप्लांट का निर्जमीकरण। अब यही से मैं बच्चों अपने आगे वाले सारे टॉपिक कवर कर रही हूँ, जिसमें से एक मैंने शुरू कर दिया है कवर करना, अपना जो प्रथम चरण था, है ना, प्रथम चरण की बात मैंने की थी और प्रथम चरण मैंने कहा था क्या है, संवर्धन का प्रारंभ। ठीक है, तो देखो ये संवर्धन का प्रारंभ हो गया यहाँ पर। संवर्धन का प्रारंभ कैसे हुआ कि ये जो निर्जमीकृत स्टराइल एक्सप्लांट्स, निर्जमीकृत एक्सप्लांट्स, ये हमारे पास जो स्टराइल एक्सप्लांट्स थे, इन एक्सप्लांट को हमने इस पोषक माध्यम के अंदर प्रवेश करा दिया। और इसके अंदर प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम संरोपण या निवेशन भी कहते हैं, तो हमने या इनोकुलेशन, इस नामों से हम इसको जानते हैं। तो हमने पोषक माध्यम के ऊपर इसको अपना प्रथम चरण पूरा कर लिया। अब इसके बाद में बच्चों पोषक माध्यम मिलने पर ये एक्सप्लांट वृद्धि करेगा और हो सकता है या तो नया पौधा बना दे या कैलस बना दे। तो अब जो भी बना है, चाहे वो छोटा पौधा बना है चाहे वो कैलस बना है, अब उसको हमें आगे मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। तो हम आगे चलते हैं, अपने द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो जैसे मैं एक चित्र बना रही हूँ, ये कोई कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमारा पोषक माध्यम रखा हुआ था और इस पोषक माध्यम के अंदर हमने जो कैलस हमारा विकसित हो गया, इसको मैं एक कोशिकाओं के समूह के रूप में प्रदर्शित कर रही हूँ कि ये जैसे हमें कोशिकाओं का एक समूह यहाँ पर मिल गया। अब इसका हमें क्या करना है, गुणन करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वापस हम वहीं जाएंगे, कहाँ, लैमिनार एयर फ्लो बेंच के ऊपर। और लैमिनार एयर फ्लो बेंच में हम क्या करेंगे, हमारे पास में नए पोषक माध्यम के ऐसे कॉनिकल फ्लास्क तैयार होंगे और इन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हम ये जो हमारे कैलस की कोशिकाएं हैं, इनको लैमिनार एयर फ्लो बेंच पे इनको यहाँ से निकालेंगे और एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह से हम इनको अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क में भर देंगे। तो उससे क्या होगा, इन कोशिकाओं को नया पोषक माध्यम मिलेगा, नया संवर्धन माध्यम मिलेगा और ये और भी तेजी से वृद्धि करेंगी। तो ये था हमारा दूसरा चरण जहां पर हमने इनको वृद्धि करी। अब अगर, चलो बच्चों यहाँ पर अगर ये हमें कैलस नहीं मिला होता और इसकी जगह अगर हमें कोई छोटे छोटे, जैसे हमने तने का टुकड़ा रखा कोई, है ना, स्टेम का छोटा सा भाग रखा था मान लो इस तरह से, और यहाँ पर पोषक माध्यम मिलने से छोटे 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 बहुत सारे अगर पौधे बन गए हैं, तो अब इन पौधों को भी तो वृद्धि करानी है। तो फिर वही बात है कि हम इनको किसी ना किसी नए माध्यम के ऊपर रखेंगे जहां पर इनमें बहुत तेजी से गुणन की प्रक्रिया होगी और ये बहुत सारे पौधों में बदल जाएंगे। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप के ऊपर, तृतीय चरण। तृतीय चरण क्या कहता है, तृतीय चरण कहता है रीजनरेशन के बारे में, पुनरुद्भवन के बारे में, पुनरुद्ध भवन। तो रीजनरेशन कैसे होगा उसको हम यहाँ समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये कोशिकाओं का समूह बना था, कैलस बना था, इसको मैं यहाँ पर एक, दो और तीन तरह से आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हमारे पास में कैलस बना था, कोशिकाओं का समूह, तो ये पुनरुद्ध भवन कैसे करेगा, इसके लिए हमें इस कैलस को कुछ ऐसे हॉर्मोन्स देने पड़ेंगे
कुछ रसायन पोषक माध्यम के साथ में मिलाकर ही कुछ ऐसे हार्मोन देने पड़ेंगे कि ये जो हमारी कोशिकाओं का समूह है, इन कोशिकाओं के समूह में से हमारे पास में शूट बननी शुरू हो जाए और नीचे की तरफ रूट बननी शुरू हो जाए। तो ये हमें देना पड़ेगा। अच्छा, और ये जो हमारी शूट बन रही है ना, और ये जो हमारी रूट बन रही है, ये कभी भी एक साथ नहीं बनती। पहले बार जब हम हार्मोन देंगे तो हमारे पास में सिर्फ शूट्स बनेंगी, और फिर हम इन शूट्स को किसी नंबर दो हार्मोन वाले नए माध्यम पे डालेंगे, नए संवर्धन माध्यम पे रखेंगे, तब हमारे पास में इनसे रूट बनेगी और हमें नया पौधा मिलेगा। तो ये हो गया कैलस से दो बार अलग अलग हार्मोन डालकर हमने शूट और रूट बना ली, तो पौधे का पुनरुद्भवन हो गया। दूसरा, अगर हमें इस तरह, इसको हम कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, तो अगर हमें ऐसी खूब सारी ऐसी छोटी छोटी शूट्स मिल गई हैं, बहुत सारे छोटे छोटे तनों का गुच्छा मिल गया है, तो अब हमारा अगला काम क्या है, इसमें जड़ का विकास करना। तो हम इसको ऐसे माध्यम पे रखेंगे, ऐसे संवर्धन माध्यम के ऊपर रखेंगे जहां पर इस शूट के अंदर क्या हो, ये जैसे शूट है तो इसके अंदर रूट का विकास हो जाए, तो हमें एक नया पौधा मिल जाएगा। तीसरा पुनरुद्भवन, अगर ये कैलस जो बना है, इस कैलस में हमें कायिक भ्रूण मिल जाए, कायिक भ्रूण यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियोज, तो अगर हमें सोमेटिक एम्ब्रियोज मिल जाए, तो एम्ब्रियो बिल्कुल बीज की तरह होता है, तो जैसे ही हम उस सोमेटिक एम्ब्रियो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें, अगर हमें इस तरह के सोमेटिक एम्ब्रियो मिल गए, तो हम इसको फिर किसी ना किसी नए संवर्धन माध्यम पे रखेंगे जहां पर ये अंकुरित हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज अंकुरित होता है, और हमें यहां से शूट और यहां से रूट का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे चरण में हमें पुनरुद्भवन के द्वारा कुल मिला के पौधे मिल जाएंगे, चाहे वो कैलस से मिले, चाहे वो सूक्ष्म परिवर्धन से मिले, चाहे वो सोमेटिक एम्ब्रियोस से मिले। इसके बाद हमारा फाइनल आता है चतुर्थ चरण। अब देखो बेटा, ये जो चतुर्थ चरण है, फाइनल चरण है, अब इसमें क्या है? ये पौधे तो देखो लैब के अंदर बने तो टेम्परेचर भी बिल्कुल कंट्रोल है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल है, खाने को भी बढ़िया बढ़िया यहाँ पोषक माध्यम से इनको मिल रहा है, लेकिन अब इनको कहाँ जाना है? अब इनको जाना है सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर। तो जमीन के अंदर क्या क्या परिस्थितियां होंगी? खुले वातावरण के हिसाब से इनको अनुकूलित होना है, तो एक तो इनको मिट्टी से पोषक माध्यमों को अवशोषित करना है, तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद में इनको वहां पर जो भी तापमान है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, वातावरण की आर्द्रता के साथ में इनको अपने आप को एडजस्ट करना है, तो ये जो वातावरण की परिस्थितियां हैं इसके हिसाब से इनको अनुकूलित करने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो पौधे यहाँ तैयार हुए हैं प्रयोगशाला में, इनकी की जाती है हार्डनिंग, इनको कठोर बनाया जाता है। उसके लिए पहले इन पौधों को रखा जाता है ग्रीन हाउसेस में, और ग्रीन हाउस में जब पौधे तैयार हो जाते हैं, वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम उनको जो है फील्ड्स में लेकर जाते हैं। तो ये हमारा चौथा चरण, जिसके बाद में हमें फील्ड्स के अंदर हमारे टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे मिल जाते हैं। तो इस तरह से पादप ऊतक संवर्धन विधि द्वारा हम पौधों को बहुत बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर्स में प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर हम बात करें तो हमें हजारों की संख्या में पौधे मिल जाते हैं। तो कॉनिकल फ्लास्क, एक छोटा सा पौधे का टुकड़ा लिया हमने, स्टेम का टुकड़ा लिया 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और उससे अगर हमें हजारों पौधे मिल जाते हैं तो देखो कितनी अच्छी बात है। तो और इसी तरह से उस छोटे से टुकड़े से हमें हजारों बीज मिल सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोज, उससे हमें हजारों कोशिकाएं मिल सकती हैं, और हर कोशिका एक पौधे का विकास
विकास कर सकती है। तो ये टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंस है। तो इसके साथ अपना ये लेसन खत्म होता है। थैंक यू। अगले लेसन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर, संवर्धन के प्रकार। थैंक यू।